हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉव जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल गॉव जॉब टाइमलाइन पे। दोस्तों, केंद्रीय सरकार की तरफ से सीधी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सरकार की तरफ से सीधी बम्पर भर्ती आया है, जहाँ पे दोस्तों केवल ही केवल 10वीं पास, 12वीं पास या तो फिर ग्रेजुएट या पीजी हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम या तो कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा। ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है और दोस्तों यहाँ पे सभी राज्यों के उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे इस फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सब कुछ हम डिटेल से बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी जो पेज ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आया है आप नेहरू युवा केंद्र संस्थान की तरफ से टोटल 392 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया है, जहाँ पे दोस्तों LDC, MTS, कंप्यूटर ऑपरेटर, DYC एंड अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी आया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है दोस्तों नेहरू युवा केंद्र संस्थान। यहाँ पे टोटल 392 वैकेंसी जारी किया है। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे इंटरव्यू और GD के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर और DYC के लिए 160 पोस्ट है, जहाँ पे आपका सैलरी 56,100 से लेके 1,77,500 सैलरी हो जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका 12 पोस्ट है, 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये आपका सैलरी हो जाएगा। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आपका 17 पोस्ट है, जहाँ पे सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये हो जाएगा। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पोस्ट है, जहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये आपका सैलरी हो जाएगा। असिस्टेंट के लिए 38 पोस्ट है, 35,400 से लेके 1,12,400 यहाँ पे आपका सैलरी मिल जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपका सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 हो जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 23 पोस्ट है, 29,200 से लेके 92,300 आपका सैलरी हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 58 पोस्ट है, जहाँ पे सैलरी आपका 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपका सैलरी हो जाएगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका 58 पोस्ट है, जहाँ पे आपका 19,900 से लेके 63,200 आपका सैलरी हो जाएगा। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 23 पोस्ट है, जहाँ पे दोस्तों 18,000 से लेके 56,900 आपका सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका PG डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 पास, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ग्रेजुएशन, असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएशन, लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए BCom, एनी ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट वर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं या 12वीं पास अगर आप किए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका जो जॉब लोकेशन होगा दिल्ली होगा। आप दोस्तों जो लास्ट डेट है वो आपका लास्ट डेट आपका 29 जून 2019 है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा और अप्लाई करने का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।